ये पहली बार नहीं है, हर रोज फूके और फूल लाकर प्रपोज करता रहता है। एक सेकंड, रोज गुब्बारे और फूल देता है? नहीं मतलब अगर गिफ्ट देना ही है तो कभी कपड़े दे दे, चॉकलेट्स दे दे, टेडी बेयर दे दे। How romantic. वो FIR लिखवाने आई है संतू, कोई रोमांटिक पिक्चर का स्क्रिप्ट नहीं चल रहा है यहाँ पे, समझ रही हो तुम? जो तुमको अलग अलग गिफ्ट सूझ रहा है, और ये गुब्बारे फूल, इसमें ये रोमांटिक वाला कौन सा बात आ गया इसमें, हमको ये समझाइए। फूलों से ज्यादा रोमांटिक क्या हो सकता है बताओ? हमारे लल्ला के पप्पा जो थे ना, वो दफ्तर से आते समय रोज हमारे लिए रोज फूलों का गजरा और गर्मा गर्म इमरती लाते थे। इतना इमरती जलेबी खाने के बाद भी आपका जवान मिर्ची की तरह तीखा का तीखा कैसे, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो ऐसा ना पुष्पा जी, आपकी उम्र के हिसाब से आपके रोमांस को एक्सपायर हुए 20 साल हो चुके हैं, तो आपका तो हक ही नहीं बनता है इस मामले में बोलने का। बस करेंगे आप दोनों। प्रिया तुम शुरुआत से शुरू करो। मैडम हम 2 महीने पहले बिहार से जॉब के कारण यहाँ पर आए थे, और वो कभी वो हमारे पास के मोहल्ले में ही रहता है। पूछते हैं हम अपनी किस्मत को कि काहे उसने हमें देख लिया। उसने जिस दिन हमें देखा ना, उसी दिन आके प्रपोज कर दिया। हमने तो उसे तुरंत मना कर दिया, फिर वो चुपचाप वहाँ से चला गया। हमें लगा वो समझ गया है, पर फिर वो दूसरे दिन वापस आया और उसने हमें फिर से प्रपोज किया। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कि उसको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, तभी रिजेक्ट करने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहा है। संतु जी, क्या है ना कि प्रॉब्लम ना उसके मेमोरी लॉस का नहीं है, प्रॉब्लम ना उसकी छोटी सोच का है। उसको ऐसा लगता है ना कि पिया जी को बार बार इसे प्रपोज करने से ना पिया जी का ना जो है ना वो हाँ में बदल जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि नो मींस नो। हाय लगे कैसा है कि सॉरी। आप कितने समझदार हैं जी। कौन? हाँ थैंक यू वेरी मच संतोष जी, देखिए ना क्या बोल रही है। हाँ हाँ ठीक है, मगर एक बात बताओ हमको, तुमने उसे कभी रोकने की कोशिश नहीं की? बहुत बार हमने उसे साफ कह दिया कि हम उससे प्यार नहीं करते, फिर भी वो बार बार आता है, कहता है कि हम पिछले जन्म के मजनू और लैला है, कहता है उसे सब याद आ गया है, और जब तक मुझे याद नहीं आता वो बार बार याद दिलाता रहेगा। ये ना हमको मजनू नहीं है, तुम्हारा सरफिरा आशिक नजर आ रहा है हमको। एक बात बताओ, वो तुमको इतना तंग कर रहा था, तुम थाने क्यों नहीं आए रिपोर्ट लिखवाने? या कहीं ऐसा तो नहीं है वो तुमका धमकी देता है? नहीं नहीं, मुझसे तो काफी इज्जत और अदब से पेश आता है, पर वो बहुत खतरनाक है। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़का मुझसे हंसकर बात कर रहा था, उसने उसे इतना पीटा कि अब वो अस्पताल से वापस आने के लिए भी डर रहा है। कबीर के डर से बाकी सारे लड़के हमें भाभी बुलाते हैं। कब बात कर रही हो तुम? हमें ये डर लग रहा था कि अगर हम उसके खिलाफ कंप्लेन कराने आए तो वो हमें कुछ ना कर दे। हम तुम्हारा डर समझ गए पिया, ये साफ साफ एक जुनूनी प्यार का केस है, जो फिलहाल तो तुमसे प्यार करता है, लेकिन ये प्यार कभी भी हिंसा में बदल सकता है। घबराओ मत, तुम्हारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस लड़के को ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि नो मींस नो। सॉरी। जाइए इन्हें छोड़कर आइए। हम दोनों आइए संतु जी, आइए चलिए। मैडम सर ऐसे आशिक तो बहुत सारे हैं लखनऊ में। बुलाइए कबीर को थाने, हमें मिलना है। कबीर का थाने आने से पहले क्या हम कबीर से एक बार मिल सकते हैं? नहीं, अपने तरीके से नहीं, हम दूसरे तरीका से बतियाएंगे, आपके तरीका से बतियाएंगे, इतना विश्वास रखिए। ठीक है, करिए अपने तरीके से हैंडल, हमें विश्वास है। अरे पिया जी आप ना बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कबीर कबीर हुआ तो क्या हुआ, असली सिंह जो है ना वो हमारी करिश्मा मैडम है, ऐसा धोबी पछार देंगे ना उनको। अगर सपना में भी गलती से किसी लड़की को प्रपोज किए ना तो डर के उठ जाएंगे बाबू। आप बहुत अच्छे है। कौन? आगे आगे। हाँ, हाँ, हाँ। और सच कहे तो अब हमें उतना डर भी नहीं लग रहा। आपका नाम क्या है? चीता, चीता नाम है। नहीं आपका नहीं, इनका। इनका नाम चीता कैसे हो सकता है? इनका नाम संतु है, चीता हमारा नाम है। सी फॉर चीता, सी फॉर संतु, सॉरी एस फॉर संतु। सो क्यूट।
जैसा नाम है बिल्कुल वैसे ही आप एकदम चीता के तरह लपक के दूसरों के जज्बात समझ लेते हैं आप। एक और बात कहें? हाँ हाँ बिल्कुल। आप इतने समझदार हैं, दूसरों के जज्बात समझते हैं। आपकी वाइफ बहुत लकी होगी। वाइफ बन जाए, लकी तो हम हो ही जाएंगे। हाँ हाँ, जो भी लड़की चीते से शादी करेगी वो बहुत लकी होगी, बहुत। क्या बात कर रही है संतोष, ऐसा लगता है आपको? बस 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 बस, मेरी स्कूटी यहीं पे है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। जी, प्रणाम। वैसे क्या बात है चीते, एक ही मुलाकात में पिया ने तुझे अपना दिल दे दिया। संतु जी, जिसका चाहिए नहीं उसका लेकर क्या करेंगे हम? जिसका दिल हमको चाहिए वो दे दे तो। हाँ, कल दे दे, देख बाय बोल रही। बाय 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 बाय। गई वो। चलिए। पुष्पा जी, कहाँ है? पक्का यहीं होंगे वो? हाँ हाँ हाँ, इसी कॉलेज से तो पास हुआ है वो, मगर यहीं पे अड्डा जमा के बैठता है। हाँ ठीक है, उतरिए फिर, यहीं बैठ के देखते हैं। उतरिए। पिया, तुम्हारी आंखों में ऐसा नूर है। अबे छिरकुट वावा तो कर। वाह वाह भैया, वाह वाह। पिया, तुम्हारी आंखों में ऐसा नूर है, बस अब कह दो कि हम तुम्हें मजबूर है। मजबूर नहीं, मंजूर है। अरे भाई भाई यार, इतनी इज्जत से तुम्हें पाने की कोशिश की है। इज्जत नहीं भैया, शिद्दत, शिद्दत। अरे यार तू शिद्दत रख ले, यह ठर्रे ने तुझे मुझसे मिलाने की साजिश की है। वाह, फिर गलत बोल दिए। ठर्रे नहीं, जर्रे ने, जर्रे ने। अबे चिरकुट, प्यार में ना फीलिंग्स देखी जाती है, फीलिंग्स जो मेरी है पिया के लिए। ये व्याकरण व्याकरण कौन देखता है? नया सुनो, पिया तुम्हारे प्यार में घर बार छोड़ देंगे। ये आशिकी छोड़ दो वरना तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ देंगे। वाह वाह, क्या शेर मारा है अपने मैडम जी। जी मैडम जी। जी मुजरिमों की हड्डियां तोड़ते तोड़ते बोर हो गई क्या, जो इस बेचारे शायर की हड्डियां तोड़ने लगी है? वही समझाने आए हैं तुमको कि आशिकी का दुकान बंद करो वरना ऐसा तंबू उखाड़ेंगे ना कि फिर कभी आशिकी करने के काबिल नहीं बचोगे, तुम समझ गए? अरे मैडम जी, ये इश्क नहीं समुंदर है। अबे वावा तो कर। वावा वावा भैया वावा। हमारा इश्क नहीं समुंदर है, अपना जाहिल खुद ढूंढ लेगा। वाह, जाहिल को ढूंढने की क्या जरूरत है, वो तो सामने ही खड़ा है। साहिल को जाहिल बोल दे। चुप रहो, तुम्हारा समुंदर ना दो चाटों में सुखा देंगे, हम समझ गए। पिया ने कंप्लेन किया तुम्हारे खिलाफ, उसके आसपास भटकना मत वरना अंदर कर देंगे सीधा, समझ रहे हो बात को? पिया ने कंप्लेन की है? जी। अरे नहीं नहीं मैडम, मैडम जी आपको ना गलती हो रही है, वो उसने कंप्लेंट नहीं की होगी, और अगर की भी है ना तो आप वो ना नदान है, वो ना समझ नहीं सकती ज्यादा, वो ना भोली है, माफ कर दो उसे। आप ना उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो। अच्छा, मतलब अब तुम हमको बताओगे किसकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए और किसकी बातों को नहीं? हाँ नहीं नहीं मैडम जी, मेरा वो मतलब नहीं था, आप हमारी बातों का ना हकीम कीजिए। हकीम नहीं, यकीन, यकीन। अरे हाँ वही कीजिए। सच तो यह मैडम जी, जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं पिया को, कभी उसको परेशान नहीं किया, कभी उसको तंग नहीं किया, कोई हमारे खिलाफ उसके कान भर रहा है, हम ये होने नहीं देंगे। हम पिया से जाके पूछते हैं ना। एक मिनट, उसे दूर ही रहना, वरना? वरना क्या करेंगी, मारेंगी? नहीं नहीं, आज वो किसी को नहीं मारेंगी। क्या है ना, मैडम ने मैडम से वादा किया है कि आज वो किसी पे हाथ नहीं उठाएंगी। का जरूरत था ये कहने का, हम डरा रहे हैं ना? हाँ तो हम डराते हैं ना, हम हैं ना आपके साथ। रुकिए, आप जरा हटेंगे, जाइए। ए आशिक, अगर दोबारा पिया को परेशान किया ना या उसके आसपास भी भटके ना, घसीटते हुए थाने लेकर जाएंगे तुमको, समझे? मैडम जी,
आशिक तो वैसे ही घायल होते हैं, थोड़ा और घायल आप कर दीजिए। अब प्यार किया तो डरना क्या? हम सठिया गए हो क्या तुम? हम तुम्हें जेल के अंदर डालने की बात कर रहे हो और तुम हमारे साथ अंताक्षरी खेल रहे हो। क्यों, प्यार करना गुनाह है? अगर गुनाह है ना तो बांध दीजिए हथकड़ी, ना इससे हमारा प्यार रुकेगा और ना ही हम झुकेंगे। वाह, क्या डायलॉग मारा, हमारा दिमाग एकदम झन्ना गया है, अब तुम्हारा दिमाग झन्ना है। जब हाथ से नहीं मारेंगी तो क्या बंदूक से मारेंगी? बहुत प्यार के कसीदे बांधते हो ना तुम, लगता है फिल्मों का बहुत शौक रखते हो, इसलिए इतना भारी भारी डायलॉग तुम मारते हो। प्यार में खर्चा बहुत होता है ना, एक काम करो, खुद को खर्च कर दो, आप मान जाएंगे तुम्हें और तुम्हारी आशिकी को, अभी के अभी मान जाएंगे। वाह मैडम जी, क्या सुझाव दिया है, मजा आ गया। हाँ हाँ शुरू हो जाओ। क्या हुआ, सारी आशिकी निकल गई? हाँ बेटा, जान दूंगा बोलकर जान देने में और सिर्फ कहने में बहुत फर्क होता है, समझे? क्या हुआ, बहुत दिलदार बने फिरते हैं ना आप तो? कहाँ गया आपका आशिकी और आपका प्यार? नहीं मतलब इंटरवल से पहले हीरो फ्लॉप हो गया है। ये जो फुग्गे फुलाते हो ना, ये देने की जगह बेचो तो चार पैसे आएंगे, हीरोगिरी छोड़ के ना काम पे ध्यान दो अपना, समझ गए तुम? और पिया से तुम दूर रहना, अब तुमको लास्ट टाइम बता रहे हैं। लाओ दो हमारा बंदूक वापस। था ना प्यार करते हैं। चलिए फोटो एडिट किया जाए। क्या जरूरत है किसी भी फिल्टर की, वैसे इतने अच्छे हैं। सर, आप यहां अचानक कैसे? हम यहां निरीक्षण के लिए आए। सब ठीक है? जी सर, एवरीथिंग इज फाइन। हसीना जी, हमने आपको अपनी तस्वीर दी थी, आपने उस पर कायाकल्प किया है? हाँ सर, दरअसल आपका फोटो काफी देर देखने के बाद, मतलब आपने हमारी तस्वीर काफी बार देखी है। देखकर काफी देर सोचने के बाद हमें लगा कि फिल्टर की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मतलब हम आपको ऐसे ही अच्छे लगते हैं। दरअसल हमारे कहने का मतलब ये था कि एक मिनट। नमस्ते दत्ता जी, कैसे हैं आप? नमस्कार बेटा,
वो हमारा पार्सल है, मतलब पार्सल आने वाला है, जिसमें हमारे कारपेट डिजाइन के डॉक्यूमेंट हैं। क्या तुम हमारा पार्सल अपने पास थाने में रख लोगी? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे थाने में महफूज रखेंगे, आप जब चाहे आकर कलेक्ट कर सकते हैं, इस बहाने हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। नमस्ते बेटा। जी जी, रखते हैं फोन, शुक्रिया। क्षमा कीजिए हसीना जी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके कोई रिश्तेदार यहाँ आने वाले हैं। ओ हाँ, हमारे चाचा जी। अरे हाँ, क्या नाम था उनका? महादेव जी? नहीं नहीं, महिपाल सिंह। महिपाल सिंह, अच्छा वो यहाँ आने वाले हैं? नहीं नहीं, वो नहीं आने वाले, उनके मुनीम जी हैं, दत्ता जी, वो आने वाले हैं। कोई पार्सल भिजवा रहे हैं वो थाने में रखने के लिए, वो बाद में कलेक्ट कर लेंगे। दत्ता के आने का मतलब है कि महिपाल के प्लान की शुरुआत हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द ये देखना होगा कि आखिर उस पार्सल में है क्या। तो ठीक है हसीना जी, हम चलते हैं। जी सर। अगर आपको हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं तो हम तस्वीर भी ऐसे ही भेज देते हैं विवाह के लिए। जी सर, भेज दीजिए। चलते हैं। कौन कहता है इस जमाने में सच्चा प्यार नहीं होता है। दोस्तों, मुद्दतों बाद आज हमें वो आशिक, वो सच्चा प्यार करने वाला मिला है, जो हमें सिर्फ सिनेमा या टीवी में देखने को मिलते थे। आज एक सच्चे आशिक का खुद पे गोली चलाने वाला वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसे लोग खूब सराह रहे हैं। ऐसे आशिक के लिए लड़कियां दुआएं कर रही हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं मॉडर्न एज के मजनू से। आप अपनी महबूबा के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? भैया जी, आपके प्यार में हमने पानी पिया है, गम का घूंट भी पिया है। भैया जी, अब तो पूरी दुनिया के सामने साबित हो गया कि हम आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, बस अब आप हाँ कर दीजिए। और भाई साहब, आपके इस न्यूज चैनल के जरिए ना, हम महिला पुलिस थाने के ऑफिसर्स को भी कुछ कहना चाहते हैं। कहते अब तो हमने साबित कर दिया कि हम पिया जी से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर अब आपने हमें मोहब्बत करने से रोकने की कोशिश भी की ना, तो हम प्यार की सूली चढ़ जाएंगे और उसकी जो डोर है ना, वो होगी महिला पुलिस थाने के हाथ में। जानिए, में अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार होंगी महिला पुलिस थाने की ऑफिसर्स। ये है हमारे मॉडर्न एज के मजनू मिस्टर कबीर। वाह, आज एक और रिकॉर्ड आपके नाम हो गया, बिना हाथ पैर चलाए ही केस बिगाड़ देने का। आपने गुनहगार को नहीं, हमारे पूरे महिला पुलिस थाने को गोली मार दी। एक सरफिरे आशिक को बेगुना आशिक बना के रख दिया, क्या जरूरत थी उसके हाथ में बंदूक थमा देने की? नहीं, हम वहाँ अकेले थे, आपका भूत खड़ा था हमारे साथ। आप भी तो रोक सकती थी ना हमें, हमें थोड़ा अंदाजा था वो ऐसा कुछ कर देगा, आपने काहे नहीं रोका हमें? देखिए, ड्यूटी पर हम आपकी सास नहीं होते, हम आपके जूनियर होते हैं, और कोई भी जूनियर जो होता है ना, वो अपने सीनियर की बात मानता है, उनके फैसले को रोकता नहीं, टोकता नहीं, सलाह नहीं दे सकता उसे। तो अभी भी हम आपके सीनियर हैं यहाँ पर, अभी काहे सास की तरह ताने मार रही हैं आप? देखिए, अगर हम घर पर और थाने में भी आप पर हुकुम चलाने लग गए ना, तो दो दिन में आपको ठीक कर देंगे। और हम दोनों जगह में से एक जगह अगर बहू बन गए ना, तो ना तो आप सास बनने लायक रहेंगी, ना सांस लेने लायक रहेंगी, समझ रही हैं आप हमारी बात? बस करिए आप लोग, कभी कभी तो सीरियसनेस समझिए एक सिचुएशन की। यहाँ कबीर को खुलेआम लाइसेंस मिल चुका है पिया को परेशान करने का, ऊपर से ये मीडिया ट्रायल्स, किसी ने सोचा है कि पिया किस ट्रॉमा से गुजर रही होगी इस वक्त? हम तो तुम रो कह रही हो, कबीर ने कुछ तंग किया क्या, कुछ हुआ क्या? मेरे फैमिली मेंबर्स को सब पता चल गया, वो कह रहे कोई भी अच्छे घर का लड़का उससे शादी नहीं करेगा, तो मैं कबीर को यहाँ कर दूँ और उससे शादी कर लूँ। क्या बात कर रही हो, ये तुम्हारे घर वाले या कबीर के घर वाले जो कह रहे हैं उससे शादी कर लो, का उल्टा बात कर रहे हैं? देखिए पिया, तुम क्या चाहती हो? मुझे भी यही ठीक और आखिरी ऑप्शन लग रहा है कि मैं मजबूरी में उससे शादी के लिए हाँ कर दूँ। देखो पिया, ये सब भसड़ हमारी वजह से हुआ है, तो हम ही तुमसे वादा करते हैं कि ये पूरा मुसीबत से ना हम ही तुमको आउट करेंगे, हम सच बता रहे हैं तुमको। बस तुम हमें ये बताओ कि तुम सच में चाहती हो कि कबीर तुम्हारा जीवन साथी बने, क्या तुम ये चाहती हो, क्या तुम्हारा दिल ये चाहता है? तो फिर घबराओ, अगर तुम्हारा दिल ना कह रहा है तो जबरदस्ती हाँ मत कहो,
उस लड़के को हम समझाएंगे दैट नो मीन्स नो. उसका असली चेहरा हम दुनिया के सामने लाएंगे, बताएंगे कि ये हीरो कितना बड़ा विलन है. होगा कैसे मैडम सर? रोमांस पिया जी के नहीं नहीं मैडम सर नहीं नो नो मैडम सर. मतलब पिया जी को हमने कभी भी उस नजर से नहीं देखा मैडम सर. क्या एक्टिंग? चीता चतुर्वेदी, रोमांस करने की एक्टिंग करनी है आपको. देखो, जब कबीर पिया को किसी और लड़के के साथ रोमांस करते हुए देखेगा तो वो अपना आपा खो बैठेगा और तुम्हें बुरी तरीके से पीटने लगेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने उस दिन उस लड़के को पीटा था. मैडम सर हमको ना समझ में नहीं आ रहा है कि अभी केस का हल निकाल रही है कि पर्सनल लेवल पर हमसे गुस्सा निकाल रही है. नहीं, जो रोमांस होगा ना वो तो गारंटीड नकली होगा, लेकिन जो लड़का हमको मारेगा मैडम सर, वो क्या, वो तो पूरा हड्डी तोड़ देगा, वो तो असली होगा ना. चीते, फर्ज के लिए इतना सा नहीं कर सकता तू. देखो चीता, हम तुम्हें ज्यादा नहीं पिटने देंगे. लेकिन पिटने तो दीजिएगा ना मैडम सर आप हमको. जैसे ही कबीर तुम पर अटैक करेगा, करिश्मा सिंह वहां आ जाएंगी और उसे धर दबोचेंगी. है? वो पूरा टाइम तुम्हारे आसपास ही रहेंगी. है? पिया, देखो हम जानते हैं कि इस तरह एक अजनबी इंसान के साथ रोमांस करना मुश्किल हो सकता है. अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो हमारे पास दूसरा प्लान भी है. नो प्रॉब्लम मैडम, हमें चीता जी के साथ रोमांस करना मंजूर है, अगर उनको मंजूर है तो. हाँ हाँ, चीते को तो क्या तकलीफ होगी, ये तो केस सॉल्व करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है. हाँ, मेरा मतलब है कि केस सॉल्व करने के लिए तू आपसे शादी भी कर सकता है ना चीते? हाँ, वैसे चीते की चाल पर और मैडम सर की नजर पे कभी संदेह नहीं कर सकते. तो फिर तय रहा, कल आप दोनों रोमांस करने के लिए तैयार हो जाइए. चीते, नाटक करते करते सच में प्यार हो गया तो? संतोष जी, अगर नाटक करते करते सच में प्यार हो जाएगा ना, तो हमको उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन हमको आपके साथ प्यार करने का, नाटक करने का मौका मिलेगा. जाइए जाइए, आप दोनों इन्हें घर छोड़कर आइए. हां संतोष जी, नहीं चलिए चलिए सर, अगर हम तीन जाएंगे तो बात तो बिगड़ जाएगी ना, अगर ये दोनों जाएंगे तो बात बनेगी. वो क्या रोमांस करने का टाइम मिल जाएगा ना. शी इज राइट, जाइए. मैं चलती हूँ तुझे जीप तक छोड़ने. चल मैडम. बाप रे बाप, अरे यार नहीं नहीं. मैडम सर एक सेकंड, एक बात पूछना था. कबीर को हिरासत में लेने के बाद क्या होगा? हमें लगता है कबीर को काउंसलिंग की जरूरत है, तो हम वही करेंगे. नहीं, काउंसलिंग से भी अगर वो नहीं माना, क्योंकि वो सर फिरा है, किसी चीज का गारंटी नहीं है ना मैडम सर. ये तो आपने सही कहा, गारंटी तो किसी चीज की नहीं. गारंटी तो इस बात की भी नहीं थी कि हम एक दिन पुलिस ऑफिसर्स बन जाएंगे, लेकिन उम्मीद थी, इसलिए इस बार भी हमारे पास सिर्फ उम्मीद ही है. क्या है ना करिश्मा सिंह, कि आपने जो किया है उसके बाद मीडिया और दुनिया की नजरों में कबीर एक हीरो बन चुका है. हम उस तक नहीं पहुंच सकते. हमारे पास ये एक ही प्लान, परफेक्ट नहीं है बट यही एक ऑप्शन है, इसलिए आप उसे गिरफ्तार करके लाइए, बाकी हम देख लेंगे. अब तो हम उसे गिरफ्तार करके ही रहेंगे. जय जय. अम्मी, आपको हर बार नए लड़के मिल कहाँ से जाते हैं? बस कीजिए प्लीज, हमें किसी और लड़के से नहीं मिलना अब. हसीना, इतनी चूजी मत बन. अभी जिस लड़के की तस्वीर भेजी है उसको हाथ से मत जाने दे, एक बार देख तो ले, तेरे लिए बेस्ट रहेगा ये लड़का. अच्छा ठीक है, हम देखते हैं. जी रखते हैं फोन. ये अम्मी भी ना मानेंगी नहीं, कौन है ये?
भी आप अपने बाल खोल सकते हैं। वैसे आप खुले बालों में अच्छी लगती हैं। आपको हम पर विश्वास है ना? जैन मैडम। जी जी पुष्पा जी, आप यहाँ? वो आपका एक पार्सल आया था तो सोचा आप खुद ही दे दें। अच्छा अच्छा, दीजिए यहाँ। वैसे हमें पता तो था कि आप डीएसपी सर को पसंद करते हैं, मगर आज पहली बार रंगे हाथों पकड़ी गई आप। नहीं नहीं पुष्पा जी, ऐसी ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप पुष्पा जी प्लीज धीरे कहिए, वरना जबरदस्ती दाई का पहाड़ हो जाएगा। आप भी इधर कर दीजिए ना, बोल दीजिए, हमसे क्या शर्माना? हाँ हम अनुभव सर को पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। हम आपके लिए बहुत 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 खुश हैं। पिया अपने वो जगह पर जाओ, जाओ चल चीते जा। आराम से। थोड़ा और पास जा, थोड़ा और पास जा, पास जा और जा, पास जा, पास जा ना। संतु जी क्या कर रही हैं? ज्यादा पास जाएंगे तो मिक्स वेजिटेबल हो जाएगा, फिर कौन चीता है कौन पिया जी है पता ही नहीं चलेगा बिल्कुल भी। पिया चीता का हाथ पकड़ो। चीते ऐसे हाथ पकड़ेगा तू? हाँ फोन है कि वाइब्रेट होए जा रहा है कब से। अबे ओ चीते, तुझसे रोमांस नहीं होगा, मैं सिखाता हूँ कैसे होता है रोमांस। जा 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 भाई, जोशी। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां कभी ना भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। हाथ वाला थोड़ा ज्यादा हो गया, बाकी ऐसे रोमांस करना है तुझे। बहुत ज्यादा हो गया संतु जी इसका। ए चुप करो तुम, एक ऐसा कंटाप लगाएंगे ना सारा सुरतार भूल जाओगे तो। तुमसे सनी हाँ। तुम बहुत अच्छा रोमांस करते हो, आओ तुम भी। जाओ, मौका मिला, हमें तो मौका नहीं मिल रहा है। हमें किसी और के साथ रोमांस नहीं करना, हमें सिर्फ चीता जी के साथ रोमांस करना है। वो क्या है ना, हम इनके साथ थोड़े कम्फर्टेबल है। ठीक है, अब तुमको इसी टोपा के साथ रोमांस करना तो इसी के साथ करो। ठीक। वैसे मैडम सर, हम अब बहुत खुश हैं आज ये जान के कि आप करिश्मा जी की भाभी बनेंगी और वो आपकी ननद, मतलब यहाँ भी आप उनकी सीनियर होंगी। पुष्पा जी प्लीज, इतनी जल्दी ख्याली पुलाव मत पकाइए। करिश्मा सिंह की भाभी बनने के लिए पहले उसके भैया हाँ तो कहें। आप एक काम कीजिए ना, आप ही उनसे पूछ लीजिए। हम पूछे? क्या क्या कह रही हैं पुष्पा जी, ऐसे थोड़ी ना होता है। हम नहीं पूछेंगे, हमें शर्म आती है, हम नहीं पूछ सकते। मैडम सर, इसमें शर्माने की क्या बात है? देखिए, मोहब्बत में जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, हमेशा याद रखिए। जैसे डीएसपी सर आएंगे ना, आप उनसे पूछ लीजिएगा, अभी देरी मत कीजिए। हाँ ऐसे नहीं लीजिए, हम प्रकट हो गए आपके समक्ष, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। जय हिंद सर। जय हिंद मैडम सर, पूछिए ना। चलो ठीक है, हम ही शुरुआत कर देते हैं। मैडम सर जो है ना, वो पिछले कई दिनों से आपसे एक सवाल पूछना चाहती थी। अब वो सवाल क्या है ये मैडम सर खुद पूछेंगी, क्योंकि वो पूछना चाहती थी। तब तक हम वो पार्सल स्टोर रूम में रख के आते हैं। हाँ मतलब तब तक आप दोनों एक दूसरे को हाँ कह दीजिए। जी हमारा मतलब ये है कि एक दूसरे को बस एक दूसरे से सवाल जवाब कीजिए। दीजिए पार्सल दीजिए।
ये पार्सल पुलिस थाने में? हाँ मैडम सर का है, वो इनके कोई रिश्तेदार है दत्ता जी? हाँ वो पार्सल आया है। अरे हाँ हाँ आपने बताया था हमें। तो आते हैं हम ये रख के। तो हसीना जी पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं आप? पुष्पा जी, प्रश्न आपको पूछना है या हसीना जी को? उनको ही पूछना है। आते हैं हम। जाइए। पूछिए ना, हम इंतजार कर रहे हैं। फोन फोन। जी दत्ता जी कहिए। नमस्कार बेटा, हमारा एक पार्सल आने वाला था, आया क्या? हाँ हाँ आपका पार्सल आ गया है और हमने हिफाजत से स्टोर रूम में रखवा दिया, अब जब चाहे कलेक्ट कर सकते हैं। मैं कल आके कलेक्ट कर लूंगा। हाँ हाँ आ जाइए, फिर मुलाकात होती। खुश रहो। कहाँ चले गए? मैडम सर बात होगी आपकी सर से? क्या कहा उन्होंने बताइए ना। अरे पुष्पा जी रिलैक्स, कोई बात ही नहीं हो पाई हमारी। जब तक हम अपना फोन कॉल करके पलटते वो गायब हो गए। इसमें तो लॉक लगा है, जल्द से जल्द इसे अनलॉक करना होगा। मधुमक्खी जो होती है ना वो अपने छत्ते के आसपास ही मंडराती रहती, कहीं नहीं जाती। वो भी कहीं नहीं गए होंगे, यही कहीं होंगे। दूसरे लॉक का कोड भी जल्दी क्रैक करना होगा। फोन करके देखते हैं। ये डीएसपी सर का ही फोन है ना? फोन भी यहीं छोड़ दिया, फिर गए कहां? थाने में देखते हैं। ये काम करिए, आप उस तरफ जाकर ढूंढिए, हम स्टोर रूम में देखते हैं, ठीक है? आप जाएंगी? हाँ हाँ, हमसे ना रहा नहीं जा रहा। सर आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। वो दरअसल कल हमने चने कुछ ज्यादा खा लिए थे, इसलिए पेट अपसेट हो गया है। आइए पुष्पा जी। आप कुछ पूछना चाहती थी? शीघ्र ही पूछिए वरना पता चला फिर से बुलावा आ गया। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो ठीक है, हम चलते हैं। सर आपका फोन हमारे केबिन में रह गया है, वो लेते हुए जाएगा। अरे हाँ थैंक यू, चलते हैं। कहाँ हम आपकी शादी के सपने देख रहे थे मैडम सर, सोचा था घोड़े को चने खिलाएंगे, मगर देखो यहाँ खुद दूल्हा चने खा के परेशान है। जय हिंद सर। सर जितना हम इसके बारे में सोच रहे थे ये उससे भी ज्यादा भयानक योजना बना रहे हैं। जैसा हमें संदेह हो रहा है अगर बिल्कुल वैसा ही है तो निश्चित हम एक बहुत गहरी संकट में है। और सच बताएं तो हम बहुत भयभीत हो रहे हैं सर। जय हिंद सर।
कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए चीते, तुमको पिया के बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना है ताकि कबीर जब यहाँ आए और वो जब तुम दोनों को साथ देखे तो भड़के और बाकी ना हम सब संभाल लेंगे, ठीक है चीते? हाँ। उसका वक्त हो गया आने का, तू जा। ऑल द बेस्ट। तुम देखते रहना, ये थोड़ा दूर रहे। ऑल द बेस्ट। चीते आ गया। हाँ, हाँ, है हम। तेरी जिल्लत कैसे हुई? जिल्लत नहीं भैया, हिम्मत। अबे जिल्लत या हिम्मत, चुप कर। जो तुम किए हो ना उसके लिए हम तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ देंगे। आप बच नहीं पाओगे। सुनो 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 सुनो, एक बार बनाम तुम दोनों रेडी रहना, ठीक है? वहाँ पे जाओ, उसे रोको और जोर जोर से चिल्लाना, पुलिस पुलिस पुलिस, तो मैं और करिश्मा मैडम आके उसे बचा लेंगे। कब कभी रुके? कौन हो तुम बे? कौन हो? हमें गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। हम चिंतन है। हम प्यार से बहुत पिया करते हैं। हम पिया से बहुत प्यार करते हैं, ये सच बात है। ये सच्चाई है। ये हमसे प्यार करते हैं और हम भी इनसे प्यार करते हैं। तुझसे प्यार करेगी। चिंतन और मनन करने का ना तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है। इतना सुंदर सा चेहरा है ना तुम्हारा, बिगाड़ने वाले समझे? चाय पी लिए, बहुत बढ़िया बना। चाय पिलाएंगे हम तुम्हें, पहले रापटा ना खिलाए। समझाओगे? हम कह रहे हैं ना, बहुत मारा यार चलते। बहुत मजा आया। आओ उधर। अम्मा तुम दोनों क्या कर रहे हो अंदर? बाहर आओ, बाहर आओ। मैडम हमने अपने आप को रंगे हाथ पकड़ के सीधा अंदर डाल दिया। मैडम आपको झूठ लग रहा है? मैडम सामने रजिस्टर पड़ा हुआ है, वहाँ पे हमने खुद के FIR दर्ज कर रही। मैडम आप टेंशन मत लीजिए। मैडम हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम अपने आप को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मैडम लेकिन प्लीज मैडम हमको मारिएगा मत। मैम देखो हमारे दिमाग का दही मत करो, समझ रहे हो? तुम दोनों बाहर नहीं आए ना तो इसी दीवार में चुनवा देंगे तुम दोनों को। चलो बाहर आओ। आपसे थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग कम हुई तो आप हमको मारोगे? अरे मतलब आई, एक काम करते हम लोग आपस में मार लेते हैं, ठीक है? ये तो परफेक्ट आइडिया मैडम। मुझे धीरे से धीरे धीरे मेरा भाई है। तुम ऐसे नहीं मानोगे संतु, डंडा लेकर आओ, डंडा लेकर आओ। अरे एक मिनट, डंडा नहीं, डंडा। आ जाओ जाओ और निकलते हैं। डालो उनको अंदर, डालो। अरे पर जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये जो सलाखें है ना, ये किसी प्यार करने वाले को रोक नहीं सकती। और प्यार करना कौन सा पुना है? पुना नहीं, सॉरी, इनके कहने का मतलब है कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सरेआम किसी को पीटना गुनाह है। इसकी वजह से तुम जेल के अंदर हो
और सुनो, तुम ये खुद को ट्रू लवर कहना एक तो बंद करो। प्यार सहमति से होता है, जबरदस्ती नहीं। और पिया तुमसे प्यार नहीं करती। आप झूठ बोल रही हैं। पिया हमसे बहुत प्यार करती है, और वो तो वो बेचारी भोली है, बोल नहीं पाती, लेकिन उसकी आंखों में देखा हमने, वो हमसे बहुत प्यार करती है। वो अपने मुंह से मना करती है तब तुम्हें समझ नहीं आता, लेकिन उसकी आंखें क्या कहती है वो तुम्हें समझ आ रहा है। पिया तुमसे प्यार नहीं करती, वो कितनी बार तुमसे ना कहे, उसकी ना में ही हाँ है। अम्मा थोड़ा पढ़ लेते तुम तो तुम्हें समझ में आता कि हाँ हाँ होता है और ना ना होता है। देखिए हम समझ रहे, आप सब हमें पिया से फिदा करना चाहते हैं, लेकिन जान लीजिए वो हमारी और हम उसके। हम ऐसा कंटाप खींचेंगे ना कि तुम्हारा उर्दू और तुम्हारा जो बुद्धि है ना वो साथ में सीधा हो जाएगा। क्यों गालिब का जान सुखा रहे हो, फिदा नहीं होता है, जुदा होता है। और कौन किसके लिए बना है ना ये हमको नहीं पता, लेकिन लात घूसा तुम्हारे लिए बना ये अभी हमें पता है। और हम तुम्हें किसी से जुदा नहीं कर रहे। अगर पिया तुमसे प्यार करती तो हम बीच में नहीं आते। पिया तुमसे प्यार नहीं करती ये बात समझ जाओ। पिया घबराओ मत, आराम से बताओ, क्या तुम इस लड़के को पसंद करती हो, क्या तुम इसे प्यार करती हो? डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। पिया तुम्हें डरने वरने की कोई जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो और हम तुमसे। बस एक बार ना उस लड़के का नाम बता दो जिसने तुम्हें छुआ है, ऐसा मारेंगे ना उसको कि हमेशा याद रखेगा। कह दो इनसे कि आप भी हमसे बहुत प्यार करती हैं। बोलिए पिया जी। नहीं, नहीं करते हम तुमसे प्यार, नफरत करते हैं तुमसे। पहले दिन भी तुम्हारा प्यार ठुकराया था और आज भी ठुकरा रहे। क्या कह रही हो तुम, प्यार नहीं करती आप हमसे? हाँ खेत चला दिया हमारे प्यार का। के बाबू जिला नहीं होता है, सिला होता है। अबे जिला होता है या सिला होता है, हम अबे तुम्हें हम कहीं देखे हैं यार। नहीं 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 हमें ना 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 नेवर। पिया आज तक तुमने हमारा सिर्फ प्यार देखा है, लेकिन अब तुम हमारी नफरत देखोगी। जिस तरह हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं ना उसी तरह हम तुम्हें बहुत ज्यादा अब नफरत करेंगे। बस एक बार हम यहां से बाहर आ गए ना फिर तुम देखना हम तुम्हारी जिंदगी जीने लायक नहीं छोड़ेंगे, समझी तुम? फिर चाहे हमें फांसी क्यों ना लग जाए हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, समझ रही हो ना तुम? हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, समझी? और तुम्हें अब ये पुलिस ऑफिसर्स क्या, इस दुनिया का कोई भी इंसान बचा नहीं सकेगा। यार हमें ऐसा लगता है कि हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात होता है वो, और हमको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग का मुलाकात हुआ है कभी। लेकिन तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। भैया क्या है ना कि इस दुनिया में ना एक शकल के सात इंसान होते हो, तो देखे होंगे आप हमारे जैसा कभी भी। बात तो सही है। और ये तुम्हें चोट कैसे लग गई? यार तुम केबीसी खेल लो हमारे साथ, कितना सवाल कर रहे हो भैया तुम। हम फिसलते फिसलते नहा गए थे, नहाते नहाते फिसल गए थे, नहाते नहाते। हाँ ठीक है इसको छोड़ो। देखो हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह हैं, हम तुम्हारी काउंसलिंग के लिए यहाँ आए हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम हमें पूरी सहायता करोगे। और आपको ऐसा क्यों लगता है? जितना पूछा जाए उतना बता दीजिए ना भैया। हाँ 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 इसकी तरफ ध्यान मत दो, हाँ बोलो आगे। देखिए जब तुम किसी को टूट कर चाहो ना और वो तुम्हारा दिल तोड़ दे
तो क्या बीतती है वो आप में से कोई नहीं समझ सकता। मैडम सर, आपने देखा ना ये सरफिर आशिक कैसे धमकी दे रहा था, वो भी हमारे सामने। वो बेल पे निकला ना, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, हम बता रहे हैं आपको। रिलैक्स करिश्मा सिंह, आज सैटरडे है और कल संडे, मतलब दो दिन तक तो वो बेल से यहाँ से जा नहीं सकता। और जहां तक बात है पिया की, हम उसे कुछ होने नहीं देंगे। रिलैक्स, हम बात करेंगे, समझाएंगे उसे, वो समझ जाएगा। आप क्या बात कर रही हैं, उस टोपे इंसान का केस आप ऐसा जज्बात से सॉल्व करेंगे? जो इंसान प्यार का भाषा नहीं समझ जाए, वो जज्बात का भाषा कैसे समझेगा, आप हमें बताइए। करिश्मा सिंह, फिलहाल वो बहुत गुस्से में है, एक बार वो शांत हो जाए फिर हम उससे बात करेंगे और उसे समझाएंगे कि वो कितना गलत है। ठीक है? ठीक है, अगर वो समझ गया तो उसके लिए बहुत अच्छा बात होगा। लेकिन अगर उसने पिया को नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया और आपका जज्बातों का चक्री ना चला, तो फिर दुनिया का कोई भी जज्बात और कोई भी ऑर्डर उसको हमसे नहीं बचा सकता। फिर ना हम आपका सुनेंगे और ना आपके ऑर्डर का। ये आप याद रखिएगा। जय हिंद। जय हिंद।